वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के पक्ष में आज फतेहाबाद कांग्रेस द्वारा शहर में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए और उसके बाद लाल बत्ती चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। कांग्रेसियों का कहना था कि प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं की जा रही, बल्कि खिलाड़ियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला कांग्रेस की प्रभारी शिल्पा वर्मा ने बताया कि आज जिला स्तर पर कांग्रेस के द्वारा खिलाड़ियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया गया और रोष स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। शिल्पा वर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हरियाणा के हर जिले हर विधानसभा से एक दल जंतर मंतर के लिए रवाना होगा और अपने खिलाड़ियों का साथ देगा। ऐसा है, आज हमने मोदी का पुतला फूंका है यहाँ पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश का गौरव और हमारे देश की बेटियाँ जंतर मंतर पर इंसाफ मिलने के लिए बैठी हैं और आधी रात को 2 बजे उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया और पीटा गया उनको बुरी तरह और गलत जगह छूकर उनको धक्के दिए गए। तो हम आज इसीलिए हमने यहाँ पर फतेहाबाद में भी और पूरे जिलों में भी सभी जिलों में हम जाकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे। मोदी सरकार कहती है, लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया। जब खिलाड़ी हमारे भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आते हैं तो वो भारत का झंडा लहराते हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लहराते हैं। और आज ये बात कही जा रही है कि इस मुद्दे को राजनीति मुद्दा बनाया, ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, ये महिला पहलवानों की लड़ाई है, हमारे देश की बेटियों की लड़ाई है। और हमारे देश में जो पोस्को एक्ट है, सभी को पता है कि पोस्को एक्ट में उसी टाइम गिरफ्तारी होती है और इन्वेस्टिगेशन बाद में होती रहती है, लेकिन पोस्को एक्ट लगने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं गया। और अगर हम में से कोई आम आदमी होता तो उसे उसी टाइम गिरफ्तार कर दिया जाता और ये बड़े शर्म की बात है। और हम अपनी बेटियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और हम पूरे हरियाणा में हर जिले में जाकर हम इंसाफ मांगेंगे अपनी बेटियों के लिए। समर्थन करते हैं जी, बिल्कुल समर्थन करते हैं पहलवानों का। फिर बिल्कुल हम पहलवानों का समर्थन करते हैं, अपनी बेटियों का समर्थन करते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, जो भी जाता है उसको डिटेन कर लिया जाता है, वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहुँचने ही नहीं दिया जाता। तो हम हर जिले में अपनी बेटियों का समर्थन करते हैं और उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे और ब्रजभूषण